वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सेस राइट के किस तरीके से हैं. इफ द बेस क्लास मेंबर एक्सेस इज स्पेसिफाइड प्राइवेट, लुक एट दिस. बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट हैं तो किस तरीके से आएंगे, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. अगर आपका बेस क्लास के जो मेंबर हैं वो पहला पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक है, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपने पब्लिक किया है तो पब्लिक हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड किया है तो ये पब्लिक मेंबर भी प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और अगर प्राइवेटली आप इनहेरिट कर रहे हो बेस क्लास को तो ये पब्लिक मेंबर भी कैसे बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे टाइप क्लास में आके. नाउ अगर बेस क्लास मेंबर आपके जो है प्रोटेक्टेड हैं तो अगर आपने पब्लिकली एक्सेस किया है बेस क्लास को तो जो मेंबर है वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे. अगर आपने प्रोटेक्टेडली आपने एक्सेस कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड टू अ बेस क्लास, देन द ऑल द मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास विल बिकम द प्रोटेक्टेड. नाउ इफ वी एक्सेस द प्राइवेट टू द बेस क्लास, इफ वी आर इनहेरिटिंग प्राइवेटली टू द बेस क्लास, देन द ऑल प्रोटेक्टेड मेंबर्स विल बिकम द प्राइवेट इन द ड्राइव क्लास. And somehow the private is not accessible in any case to the drive class. If the base class member is private, then there is no option to see or access base member function in a drive class if it is a private. So this is a matrix of accessing right of the drive class. We have seen already example. Public, protected, and private. Now, private inheritance, protected inheritance. We have already seen. Now, we will see the some examples. Single level inheritance. Look at this. Those student, कि जिनको अभी single level भी नहीं समझ में आ रहा है, तो please look at this diagram. Class A is the base class. Class B is the drive class. Single level inheritance. This is called a multiple inheritance. This is called a multiple inheritance. Class B and class C both are base class, and class A is the drive class which is accessing the properties of the class B and class C in class A. So this is the multiple inheritance. Now this is the multi-level inheritance. Class C is the base class, class B is the drive class for the class C, but the class B is the base class to the class A. So this is the multi-level inheritance. Hierarchical inheritance, look at this. Hierarchical inheritance, class G, two portion mein, class B and class E, and class B is also class A and class E, and class E, D or F mein divided ho rahi hai. So we create a hierarchical, to create the hierarchical inheritance. Agar humein hierarchical, agar इनहेरिटेंस को देखना है तो एटलीस्ट हमें दो से तीन लेवल की हमें ट्री जनरेट करनी होती है. ट्री अगर हम ट्री देखेंगे तो ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हायरार्किकल कॉन्सेप्ट. हायरार्किकल कॉन्सेप्ट अगर आपने देखना है तो ट्री क्या होता है, एज यू नो ट्री तो आप लोगों को पता है ना, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे होंगे आप या सुना होगा नाम ट्री का. जी ट्री का नाम सुना है आप लोगों ने,